जो आज हम जिस केस के बारे में आपको बता रहे हैं, राजवीर जी का केस है। इनका एक पहले एक्सीडेंट अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में फ्रैक्चर के बाद इन्होंने ऑपरेशन पहले आगरा में शमशाबाद में कराया था। उस ऑपरेशन से इनको संतुष्टि नहीं थी। इनके पैर में जो हड्डी की सेटिंग थी, हड्डी का अलाइनमेंट था, हड्डी का फिक्सेशन था, वो प्रॉपर नहीं था। तो उसकी वजह से ये प्रॉपर चल नहीं पाते थे, वजन नहीं ले पाते थे। 3-4 महीने गुजरने के बाद भी इनकी हड्डी में जुड़ाव की स्थिति पैदा नहीं हुई थी, फ्रैक्चर जुड़ नहीं रहा था। तो जब हमारे पास आए, इन्होंने हमें एक्सरे दिखाया, तो उस एक्सरे को देख के हमने इनको दोबारा ऑपरेशन की सलाह दी। तो इनका दोबारा ऑपरेशन करके हमने प्लेट लगाई और हड्डी का चूरा, जिसको बोन ग्राफ्ट कहते हैं, वो इनके किया। अब हमारे ऑपरेशन को, जो हमारे यहाँ जुलाई में हुआ है, उसको 3-4 महीने बीत गए हैं और ये बढ़िया अपना सहारे से चल लेते हैं, ऑपरेशन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो इसी केस के सिलसिले में राजवीर जी से हम बात कर रहे हैं। राजवीर जी, कब आपके फ्रैक्चर पहले कब हुआ था, कब चोट लगी थी, कब एक्सीडेंट हुआ था? 15 अप्रैल, अप्रैल में हुआ हाँ था। जी, तो पहला ऑपरेशन आपका आगरा में हुआ, शमशाबाद, शमशाबाद में हुआ। शमशाबाद तो में उस ऑपरेशन में रॉड डाली थी पैर में, जी रोड रॉड डाली थी, जी। तो चल रहे थे 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। ऑपरेशन में क्या लगा आपको, क्या दिक्कत आई? दिक्कत ही दिक्कत थी, चला ही जाता नहीं था डॉक्टर साहब, बहुत ही दिक्कत। यानी हड्डी सेटिंग नहीं हुई थी उसमें, हड्डी ये हड्डी के पास हड्डी के ऊपर हड्डी है, चला ही नहीं जाता था। मुख्य बात, मुख्य वजह तो ये थी, ऑपरेशन फेल ही था वो। तो जब आप हमारे पास आए, तो हम जब कैसी स्थिति में थे, चल लेते थे, नहीं चल पाते थे? नहीं तो चल पाते थे, नहीं अभी जो हमारे ऑपरेशन के बाद आपको फायदा लग रहा है, पूरा फायदा है, पूरा फायदा लग रहा है, 151% दुनिया एक परसेंट से एक फायदा तो लग रहा है, कह बढ़िया लग रहा है, गई। फायदा बढ़िया, लग रहा है। अब लग रहा है कि पैर सही हो जाएगा, सही हो बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही नहीं हो अब जाएगा। हड्डी की सेटिंग, हड्डी का दिशा, पैर की दिशा, पैर का अलाइनमेंट, पैर की मजबूती, पैर का फिक्सेशन सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सब चीज बिल्कुल सही है सही डॉक्टर है, साहब, संतुष्ट हैं आप यहाँ के इलाज बिल्कुल से? संतुष्ट हैं। तो ये जैसे बाहर के खर्चे, हमारे हॉस्पिटल के खर्चे, इलाज का अंदाज, इलाज का तरीका, मरीज की देखभाल, यहाँ के स्टाफ का व्यवहार, डॉक्टर का व्यवहार, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पहले नंबर तो डॉक्टर साहब, स्टाफ ही बहुत बढ़िया है, गुडविल है सब, इतना बढ़िया स्टाफ हर हॉस्पिटल में नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई तू करके बोलता है, कोई यहाँ पर सब तुम करके बोलते हैं, और हर चीज की देखभाल है, हर चीज की सुविधा है। और पैसे की बात आई तो वहां पे तो दूना पैसा खर्च हो गए, यहाँ तो आधे से भी कम हुआ है। और मेरा फेर पूरी पूरी तरह से सही है, और मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ, आपको धन्यवाद दूंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा दर्शकों से, जो ये बिगड़े हुए केस हैं हड्डी के, जिनमें पहले फ्रैक्चर के बाद हड्डी जुड़ नहीं पाती है, पहला केस फेल हो जाता है, पहला हड्डी का ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो ऐसे केसों में हमारी एक्सपर्टाइज है, और हम पेशेंटों को जब दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसके खर्चे भी हमारे लगभग आधे के बराबर ही हैं, और पेशेंट की केयर के मामले में, देखभाल के मामले में भी हम विशेष तौर से ध्यान देते हैं। और कोई सलाह आप देना चाहो मरीजों को? हाँ भैया, को वैसा हो गए, को गरीब लोग जरूर आ बजा। और सबसे मेन बात तो ये है कि बिगड़े हुए ऑपरेशन हो इतने जल्दी आ बजा, ठीक सही करेंगे। और मेरा बहुत बिगड़ा हुआ ऑपरेशन हो, मेरा बिल्कुल नहीं फेल है यो, मैं तो जो चाहता हूँ कि पैर सही हो ना, बोलो डॉक्टर साहब को, सो मैं जी यहाँ ठीक है, जिनकी कृपाते सही है वो।